वीवीएमसी मैराथन 2022 यानी 10वीं मैराथन आज संपन्न हुई। 2 घंटे 18 मिनट में मोहित राठौड़ ने 42 किलोमीटर दौड़कर जीता मैराथन। वीवीएमसी की 10वीं मैराथन आज संपन्न हुई, लेकिन वसई विरार की सड़कों से निराश नजर आए धावक। महाराष्ट्र के थाने में मजदूर ने अधेड़ को लात मारकर उतारा मौत के घाट, थूकने को लेकर हुआ था विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन, कहा महाराष्ट्र के 24 जिलों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। गोवा से ही देश को 3-3 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की सौगात, पीएम मोदी बोले आयुर्वेद पूरी दुनिया का मार्गदर्शक। 10 लाख करोड़ विदेशी निवेश लाने का यूपी में टारगेट, 16 मंत्री 36 अफसर 20 देशों में करेंगे रोड शो। थाने में एक स्कूल के लिफ्ट में फंस गए छात्र, स्कूल के कर्मचारियों ने छात्रों को जल्दी से बचाया। मुंबई में महिला ने कहा कैब ड्राइवर यात्रियों ने मेरे बच्चे को मार डाला, महिला ने आरोप लगाया कि कैब में यात्रियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। श्रद्धा वालकर हत्याकांड, तुलिंज और मानिकपुर पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश। मुंबई में देह व्यापार में ढकेली गई 2 महिलाओं को पुलिस ने बचाया, लॉज प्रबंधक गिरफ्तार, नारा सुपारा। वसई विरार की 10वीं मैराथन संपन्न हुई, लेकिन धावकों को सता रहा था चोट लगने का डर, वसई विरार की सड़कें देखकर निराश नजर आए धावक। मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों की दिन में 5 बार होगी सफाई, मुंबई। थाने में पुलिस कांस्टेबल पर रिश्वत मांगने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दे, नौपाड़ा थाने में तैनात है ये कांस्टेबल और उसके खिलाफ शुक्रवार को इसी थाने में मामला दर्ज किया गया। थाने में सार्वजनिक शौचालय में महिला ने की आत्महत्या, मृतक महिला पिछले साल बेटे की मौत के बाद से साईनाथ नगर में अपनी बेटी के साथ रह रही थी। मुंबई में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 17 वर्षीय युवक गिरफ्तार। निर्भया कोष से खरीदे गए वाहनों का इस्तेमाल एमपी एमएलए की सुरक्षा में किया गया, विपक्ष ने उठाया सवाल।